अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर सैयदा मारिया। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में यूरिनरी सिस्टम और रेनल सिस्टम, और इसको हम यूरिनरी ट्रैक भी कह सकते हैं। सो एक सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है जी डिफरेंट ऑर्गन्स पे। तो हमारे पास जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और अगर हम बहुत ही बेसिक फंक्शन देखें कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है, सो उसका बेसिक फंक्शन होगा जी इज टू फिल्टर ब्लड, यानी ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, खून की सफाई करना, टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड क्रिएट यूरिन एज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट। सो ये मैंने बहुत बेसिक आपको इसके फंक्शन बताए हैं। देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल जो कि हम लेटर जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अब हम बात करते हैं जी किडनी की। तो हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट हैं, यानी दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इनकी लोकेशन देखें सो ये बैक ऑफ द एब्डोमेन अंडर लोअर रिब्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। साइज के हवाले से जब हम इनको देखते हैं तो किडनी का जो साइज है वो तकरीबन हमारी फिस्ट जितना होता है। तकरीबन इसकी लेंथ जो होगी वो 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो होती है। और जब हम इसकी डायग्राम देखते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं किडनीज को, तो हमें पता चलता है जी जो हमारी राइट साइड की किडनी है वो थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। सो इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन होती है जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिवर, जो कि हमारी बॉडी के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। किडनीज जो है बेसिकली वो मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम नेक्स्ट जो है डिटेल में देखेंगे। सो नेफ्रॉन जो है इनमें बेसिकली क्या होता है, दे हैव द एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया द रेनल आर्टरीज विच लीव ईच किडनी वाया द रेनल वेन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द एमसीक्यूज। यानी हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हमारी जो नेफ्रॉन है उनको जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रेनल आर्टरी के जरिए होती है, यानी खून जो है उनके अंदर एंटर होता है थ्रू द रेनल आर्टरीज। और जब ब्लड जो है उसको लीव करेगा नेफ्रॉन को, तो वो डेफिनेटली लीव करेगा थ्रू द रेनल वेन। सो वी डू रिमेंबर द टू वर्ड्स, फर्स्ट इज द रेनल आर्टरी, यानी जिस आर्टरी के जरिए ब्लड जो है वो नेफ्रॉन में एंटर होगा उसको हमने रेनल आर्टरी कहना है। और जिस वेन के जरिए जो ब्लड है वो नेफ्रॉन को लीव करेगा और लीव करके जो है वो बॉडी में चला जाएगा उसको हमने कहना है जी रेनल वेन। और हम कह सकते हैं अगर हम इसको अपनी किडनीज को टोटल बॉडी वेट से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं जी कि वेट ऑफ द किडनीज अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी जितना हमारा टोटल बॉडी वेट है उससे भी 1% कम जो है वो वेट होगा जी किडनी का, जबकि ये 20% ऑफ द ब्लड रिसीव करती है विद ईच कार्डिक बीट। यानी एक कार्डिक बीट पे हमारी जो किडनी है वो तकरीबन 20% जो ब्लड है उसको रिसीव करेगी फ्रॉम द हार्ट। सो अब हम डिस्कस करते हैं जी कि हाउ डज यूरिनेशन प्रोसेस अकर्स इन द ह्यूमन बीइंग। सो आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग इन द ट्यूबुलर सिस्टम, सो हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन और हमारे ट्यूबुलर सिस्टम जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, अब बेसिकली फर्दर प्रोसेसिंग जो है हमारे ट्यूबुलर सिस्टम में क्या होगी ये हम डिस्कस करेंगे इन द फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन। और अब यहाँ पे जो हमारी नेफ्रॉन है वो फॉर्मेशन करेगी जो यूरिन की, जिसको बाद में जो है वो भेजा जाएगा टूवर्ड्स द सेंट्रल कैविटी जिसको हम रेनल पेल्विस भी कहते हैं। और रेनल पेल्विस जो है अब वो यूरिन को कलेक्ट करेगी और उसके बाद थ्रू यूरेटर, यानी यूरेटर जो है हमारे हमारे किडनी में एक ट्यूब का नाम है, और दोनों किडनी से जो है वो दो यूरेटर जो है वो निकलेंगी और इस यूरेटर के जरिए जो है वो यूरिन को आगे भेजा जाएगा। और अब यूरेटर के जरिए जो यूरिन है वो ब्लैडर में जाएगा, लेकिन हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यूरेटर के एंड पे हमें एक ओपनिंग दिखाई दे रही है एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड द यूरेट्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस कहते हैं ओपनिंग को, सुराख को, और इस सुराख के जरिए जो है वो यूरिन जो है दोनों यूरेटर में वो सेंड किया जाएगा इनटू द ब्लैडर। और अब जैसे हम प्रोसेस को समझते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं जी यहाँ पर कि यूरिन जो है वो लीव करता है बॉडी को ड्यूरिंग द यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब। हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विच इज द यूरेथ्रा विच एम्प्टीज नियर द वजाइना इन द फीमेल और थ्रू द पीनिस इन द मेल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी स्फिंक्टर मसल्स की। स्फिंक्टर मसल्स जो हैं ये बेसिकली स्ट्राइएटेड मसल्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट आर प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर। जंक्शन वो उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर वो कनेक्ट होती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन। सो नियर द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर, यानी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जहाँ पर ज्वाइनिंग पॉइंट है उसके पास हमारे बॉडी में
स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ द यूरिन. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनेशन प्रोसेस. जी नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. और अगर हम किडनी में नेफ्रॉन की लोकेशन देखना चाहते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो कहाँ मौजूद हैं, सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जिसमें हमें किडनी का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है. द आउटर रीजन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड द इनर पिरामिड लाइक रीजन इज कॉल्ड द मेडुला. सो द नेफ्रॉन्स आर अरेंज अलोंग दीज टू रीजन्स, द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन की. तो जनरली हमारी किडनी में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन जो पाई जाती हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. इन दोनों टाइप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. इससे पहले हम जिक्र करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन का, कि एक नेफ्रॉन जो है उसके कितने पार्ट होते हैं और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है. सो हम स्टार्ट करते हैं जी नेफ्रॉन की बहुत ही बेसिक और सिंपल स्ट्रक्चर से. सो एक नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली दो पार्ट पे कंसिस्ट करती है. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रेनल कॉर्पसल्स एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द रेनल ट्यूब्यूल. और यहाँ पर रेनल कॉर्पसल्स के अंदर फर्दर दो हिस्से आते हैं जी. एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और सेकेंड को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. और जो रिमेनिंग पार्ट होगा नेफ्रॉन का वो कहलाएगा रेनल ट्यूब्यूल. सो स्टार्ट करते हैं जी हम रेनल कॉर्पसल से. सो हम देख सकते हैं कि हमें नेफ्रॉन में एक कप शेप स्वेलिंग स्वेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं जी बोमेंस कैप्सूल. सो इसका नाम बोमेंस इसलिए रखा गया है कि ये नेम जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसको डिस्कवर किया था. और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर हमें बॉल ऑफ कैपिलरीज दिखाई दे रही है. सो दैट बॉल ऑफ द कैपिलरीज यानी कैपिलरीज का हमें गुच्छा दिखाई दे रहा है इन द बोमेंस कैप्सूल, उसको कहते हैं जी ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस क्या कहलाएगा? इट इज अ बॉल ऑफ द कैपिलरीज दैट इज प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल. और नेक्स्ट जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने नेफ्रॉन को सराउंड किया हुआ है वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं जी कि बोमेंस कैप्सूल जो है ये एक स्वेल लाइक स्ट्रक्चर है. और उसके बाद जैसे से आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहे हैं, ये जो एरो हैं ये बेसिकली यूरिन की फ्लो की मूवमेंट दिखाई दे रही है कि यूरिन जो है इन इन एरिया से क्रॉस करता हुआ जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है. अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें बोमेंस कैप्सूल से जो ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं और कुछ आगे जाकर ये ट्यूब्यूल्स जो है थोड़ी सी कन्वोलेटेड हो गई हैं. कन्वोलेटेड का मतलब होता है जो कि ट्विस्ट कर गई हैं, ट्विस्ट एंड टर्न कर गई हैं, यानी फोल्डिंग ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं. एंड दैट फोल्डिंग ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. सो इसको प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट आर नियर टू द बोमेंस कैप्सूल. सो जो बोमेंस कैप्सूल के नजदीक हैं, प्रॉक्सिमल हम कहते हैं नजदीक को, नियर बाय को. सो जो बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है हमने उनका क्या नाम रख दिया जी? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं तो ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो अपनी शेप को चेंज कर रही हैं और वो डाउनवर्ड जो है मूव करती हुई जा रही हैं. और अब उन्होंने एक यू शेप स्ट्रक्चर यानी एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपना अपना बना लिया है. सो दैट लूप लाइक स्ट्रक्चर, दैट यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लूप ऑफ द हेनले. अगेन इसका जो नाम है हेनले वो भी साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये जो लूप ऑफ द हेनले है ये जब आगे को मूव किया तो फिर दोबारा से यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो दोबारा से कन्वोलेटेड हो गई हैं. एंड दैट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द डिस्टल ट्यूब्यूल. डिस्टल का मतलब होता है फार अवे, यानी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं विच आर द डिस्टल ट्यूब्यूल ये अब फार अवे हैं टू द बोमेंस कैप्सूल. सो इनको हमने कह दिया जी डिस्टल ट्यूब्यूल. और जैसे अब हम देख सकते हैं एरो की पोजिशन को हम अगर देखते जाएं सो अब यहाँ से डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद हमें नेक्स्ट ट्यूब्यूल दिखाई दे रही हैं. इनको हम कहते हैं जी कलेक्टिंग डक. इनको हम कलेक्टिंग डक भी कह सकते हैं और द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं. सो हम देख सकते हैं जी कि एरो की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है. एरो हेड हमें डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है. इसका मतलब क्या है कि अब जो यूरिन है वो अब कहाँ पे एंटर होगा? इट विल बी एंटर्ड इन टू द रेनल कैविटी जिसको हमने नाम दिया था जी रेनल पेल्विस का. सो बेसिकली जो नेफ्रॉन है वो बेसिकली यूरिन को जब बनाती है तो उसको मूव करवाते हुए जो यूरिन है वो मूव करता हुआ जाएगा जी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से लूप ऑफ द हेनले में, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगा और अल्टीमेटली इट विल एंटर इनटू द कलेक्टिंग डक जहां से इसको भेज दिया जाएगा इनटू द रेनल पेल्विस. अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं बहुत सी और भी ब्लड कैपिलरीज के बारे में. तो हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आते हैं. अब हम एक डिटेल डायग्राम देखते हैं जी नेफ्रॉन की, और जिसमें हमें शो हो रहा है बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ द हेनले, साथ में हम देख सकते हैं जी डिस्टल ट्यूब्यूल को एंड द कलेक्टिंग डक. अब हम इस डायग्राम में मजीद जो है वो देखेंगे नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज को, आरटीओल्स को जिन्होंने नेफ्रॉन को सराउंड किया हुआ है. स्टार्ट करते हैं जी हम
एफरन आर्टरियोल्स फ्रॉम द रेनल आर्टरी। सो हमें सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि आर्टरीज जो हैं, जब ये अपने आप को डिवाइड करती हैं तो ये आर्टरियोल्स बनाती हैं, एंड व्हेन द आर्टरियोल्स आर डिवाइड एंड सब डिवाइड दे मेक द कैपिलरीज। सो यहाँ पर बेसिकली जिक्र है जी रेनल आर्टरी का। अब रेनल आर्टरी, जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि रेनल आर्टरी ये वो आर्टरी होती है जो कि किडनी तक ब्लड को लेकर आती है, इसको हम कहते हैं जी रेनल आर्टरीज दैट मूव टूवर्ड्स द किडनी, और वो वेन जो कि किडनी से ब्लड को लेकर जाती है उसे हम कहते हैं रेनल वेन। सो यहाँ पे एफरन आर्टरियोल्स की बात की गई है। सो बेसिकली रेनल आर्टरी जो कि किडनी में एंटर होती है, उससे फर्दर वो जो रेनल आर्टरी अपने आप को डिवाइड करती है, सब डिवाइड करके एफरन आर्टरियोल्स बनाती है, और एफरन आर्टरियोल जो है अब ये एंटर होगी इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। सो व्हेन द एफरन आर्टरियोल्स इज एंटर्ड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल, इट विल डिवाइड एंड सब डिवाइड, और ये बनाएगी जी एक बॉल ऑफ कैपिलरीज को, जिसको हम कह सकते हैं जी ग्लोमेरुलस। सो एफरन आर्टरियोल ने क्या किया कि वो रेनल आर्टरी से जो है उसने अपने आप को डिवाइड एंड सब डिवाइड किया, और इन द वुमेन्स कैप्सूल जो है हमें अब वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगी। सो बॉल ऑफ द कैपिलरीज हमें दिखाई देंगे, एंड दैट बॉल लाइक कैपिलरीज इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। सो नेक्स्ट में अब हम देखते हैं, अगर हम एरो हेड को फॉलो करें सो हम देख सकते हैं जी कि ग्लोमेरुलस से एक आर्टियोल बाहर को निकल रही है, एंड दैट आर्टियोल इज कॉल्ड द इफरेंट आर्टियोल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। सो यहाँ पे जो वर्ड इफरेंट है इसका मतलब होता है आउटवर्ड, और वर्ड एफरेंट जो है उसका वर्ड होता है इनवर्ड। सो जो इफरेंट आर्टियोल है वो बेसिकली ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलस थी विच इज द बॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, उन कैपिलरीज ने अपने आप को जो है कन्वर्ट कर दिया दोबारा से आर्टियोल में, और अब ये जो आर्टियोल बनेगी ये इफरेंट आर्टियोल बनेगी जो कि अराइज हो रही है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लाइक एफरेंट आर्टियोल जो है वो कहाँ से अराइज होती है, दे विल अराइज फ्रॉम द रेनल आर्टरी, एंड द इफरेंट आर्टियोल्स आर अराइज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब हम देख सकते हैं जी कि इफरेंट आर्टियोल जो है जो कि ग्लोमेरुलस से बाहर आ रही है, अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लूप ऑफ द हेनले, और साथ में हमारे पास जो डिस्टल ट्यूब्यूल है इनके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है उनका एक पूरा नेटवर्क है। सो वो वाली ब्लड कैपिलरीज जो कि हमारे ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द हैं लाइक द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द लूप ऑफ द हेनले, उन तमाम ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। सो वर्ड पेरी का मतलब होता है अराउंड। सो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारी जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, लूप ऑफ द हेनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल है, इनके इर्द गिर्द जो है हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, एंड दैट ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड दी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब नीचे डायग्राम के लास्ट में हम देख सकते हैं हमें एक एडिशनल नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रहा है, एंड दैट एडिशनल नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड दी वेजा रेक्टा। वेजा का मतलब होता है वेजल, और रेक्टा कहते हैं स्ट्रेट को। सो ये जो एडिशनल टाइप ऑफ द ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि हमें लूप ऑफ द हेनले में दिखाई दे रही हैं, ये आमतौर पर जो है मेजर करेक्टरिस्टिक्स होता है जी जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन का, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और साथ में अगर हम यहाँ देखें हमें लूप ऑफ द हेनले के भी दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इनके फंक्शन हम फंक्शन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लाइक लूप ऑफ द हेनले जो है इसके दो हिस्से हैं, दो आर्म्स हैं, लिम्स यहाँ पे जिक्र है जी, लिम्स कहते हैं जनरली आर्म्स को। सो यहाँ पे हमें एक लिम दिखाई दे रहा है विच इज अ डिसेंडिंग लिम, और दूसरा लिम दिखाई दे रहा है असेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम का मतलब क्या होगा कि जिसमें जो यूरिन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और असेंडिंग लिम का मतलब क्या होगा कि जिसमें जो यूरिन है वो अपवर्ड मूव करेगा। सो द अपवर्ड मूवमेंट एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट, तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लूप ऑफ द हेनले। और अब हम देख सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो अब अपने आप को फर्दर जो है कन्वर्ट कर रही हैं इनटू द वेन्यूल्स, एंड द वेन्यूल विल कन्वर्ट देयर सेल्फ इनटू द रेनल वेन। और हम यहाँ देख सकते हैं हमें ब्रांच ऑफ द रेनल वेन शो हो रही है, और डेफिनेटली ये ब्रांच ऑफ द रेनल वेन है, इट विल लीव द नेफ्रॉन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। सो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं विच इज़ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एंड दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स, यानी ये वो तमाम नेफ्रॉन हैं जो कि अलोंग द कॉर्टेक्स जो हैं ये अरेंज होती हैं, लेकिन इनका लूप ऑफ द हेनले जो है वो डिप होता है इनटू द आउटर मेडुला। सो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारी किडनी में 80-85% जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, और वर्ड जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर बाय और टू क्लोज।
So these are the nephron. These nephron arrange along the border of the cortex and the medulla. यानी ये arrange होती हैं along the border of the cortex. Start होती हैं जी ये cortex से और इनका बाकी जो remaining part है जिसके अंदर proximal tubules आएंगी और the loop of the Henle आएगा वो deep चला जाएगा into the inner medulla. So they have a higher size of the or the larger size of the loop of the Henle which actually extend into the inner medulla. So these nephrons are the called the juxtamedullary nephron. So basic difference जो cortical nephron और juxtamedullary nephron में है वो उसके loop of the Henle में है. There are other differences as well. So major difference दोनों में ये है कि cortical nephron का loop of the Henle छोटा होता है और वो outer medulla तक ही रहता है. लेकिन जो juxtamedullary nephron है ये start होती हैं along the border of the cortex and the medulla. लेकिन इनका proximal tubule और इनका loop of the Henle ये deep down चला जाता है into the inner medulla. और juxtamedullary nephron का function क्या होता है? These juxtamedullary nephron are specifically instrumental in the production of the concentrated urine. So यहाँ पे word instrumental का मतलब हो सकता है जी associated or the essential. So basically juxtamedullary nephron का एक major function है वो क्या है जी in the formation or in the production of the concentrated urine. ठीक है जी. और normally concentrated urine हमारी body में तभी बनता है जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं. और इसके लिए भी हम एक topic पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो juxtamedullary nephron हैं वो कैसे जो हैं किस mechanism के तहत जो हैं वो कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं और उस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं. सो अब हम यहाँ पर दो टाइप की नेफ्रॉन देख सकते हैं. ए डायग्राम में हम देख सकते हैं जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन और बी डायग्राम जो है वो डिपिक करी है juxtamedullary नेफ्रॉन को. सो यहाँ पर जो हमें अपर पार्ट दिखाई दे रहा है जो लाइटर इन कलर है विच इज अ रेनल कॉर्टेक्स और लोअर पार्ट जो है जो कि डार्कर इन कलर है विच इज अ रेनल मेडुला. सो हम बात करते हैं जी ए डायग्राम की विच इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन. सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हम देख सकते हैं जी बोमेंस कैप्सूल को जो कि कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को, लेकिन साथ में हम देख सकते हैं जी लूप ऑफ द हेनले जो कि सिर्फ आउटर मेडुला तक प्रेजेंट है. यानी इसका एक तो लूप ऑफ द हेनले जो है वो साइज में बड़ा भी नहीं है और वो उसका जो कुछ ही पार्ट है हम कहते हैं इस नेफ्रॉन का जो कुछ पार्ट यानी लूप ऑफ द हेनले है ये हमें दिखाई दे रहा है इन द आउटर मेडुला. अब आते हैं जी बी डायग्राम पे विच इज जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि स्टार्ट होती है जी अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला और हम देख सकते हैं इसका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और इसका लूप ऑफ द हेनले जो है वो मेडुला में जा रहा है. लेकिन लूप ऑफ द हेनले जो है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का वो डीप चला गया है इनटू द इनर मेडुला. सो हम यहाँ पर दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं वो लूप ऑफ द हेनले का देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ द हेनले जो है वो छोटा है जबकि हमारे पास जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इनका लूप ऑफ द हेनले जो है वो बड़ा है. सो यहाँ पे हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. सो इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस इज इन अपर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स व्हाइल इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इज नियर द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. और जब हम बात करते हैं जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो हमारी किडनी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होता है विच इज द 85%. जबकि इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी का नंबर जो है वो काफी कम होता है विच इज द 15%. नेक्स्ट है जी कि इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन ग्लोमेरुलाई साइज इज स्मॉल व्हाइल इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ग्लोमेरुलाई साइज इज लार्जर. सो बात करते हैं जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लूप ऑफ द हेनले की. सो लूप ऑफ द हेनले स्मॉल होता है विच इज लोकेटेड और अप टू द आउटर लेयर ऑफ द मेडुला जबकि इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लूप ऑफ द हेनले लार्ज है और डीपर होता है इनटू द डीप इनटू द इनर मेडुला. उसके बाद नेक्स्ट है जी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उनका मेजर फंक्शन क्या होता है विच इज द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन. जबकि जो मेजर फंक्शन है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का डेफिनेटली वो भी वेस्ट जो है उसको रिमूव करता है लेकिन इट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो थैंक यू सो मच.